उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में बांसडी रोड में बाबा बालखंडी नाथ धाम मंदिर में भव्य भंडारा आयोजित हुआ। लगभग 35-40 हज़ार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम संयोजक जयराम सिंह ने बताया कि इस तरह कार्यक्रम हर तीन साल पर होता है, परंतु इस बार भव्य तरीके से किया गया और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सहयोग भी मिला। आयोजक जयराम सिंह ने कहा कि जीवन में प्रभु भक्ति का विशेष महत्व है। प्रभु की भक्ति के बिना हमारा जीवन उसी तरह से निरर्थक है जिस तरह से बिना फल फूल के शुष्क वृक्ष है। जो व्यक्ति श्री रघुनाथ के सहारे रहते हैं उन्हें जीवन में कोई भी कष्ट नहीं मिलता। उनके कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु सदैव तत्पर रहते हैं। कहा कि भक्त दान वीर होना चाहिए। कहा कि हमारी प्रशंसा हमारा हृदय करता है। जी, जो कार्यक्रम हुए भंडारे में कितने लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं? बाबा बाल ठंडी नाथ के यज्ञ में भव्यता रही। 11 दिन का यज्ञ हुआ जिसमें 15 तारीख को प्रेम भूषण जी का कथा समाप्त हुआ, जिस कथा के उपलक्ष्य में भंडारा करना पड़ा। इसमें करीब 7 हज़ार आदमी प्रसाद लिए। उसके बाद फिर 16 तारीख को यज्ञ का समापन हुआ, उसमें लगभग 30 से 35 हज़ार आदमी प्रसाद। जी, क्या कहेंगे, जो कार्यक्रम हुए बहुत ऐतिहासिक रहा पूरे जिले में, पूर्वांचल में। ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रहा और बहुत अच्छा रहा। हमारे क्षेत्रीय जनता का काफ़ी सहयोग रहा। इसमें हमारे बलिया विधानसभा के विधायक और परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके वजह से कार्यक्रम का रूप रेखा ही बदल गया। वह कार्यक्रम बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो गया, जिसका काफ़ी श्रेय दयाशंकर सिंह जी का जाता है। क्या संदेश देंगे, क्या आगे भी चलता रहेगा कार्यक्रम? यह कार्यक्रम हर 3 साल के पुरुषोत्तम मास के अंतिम 11 दिन होता है। ये बहुत दिनों से होता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मंत्री जी इसी तरह से हम लोगों का मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे। बाबा बालखंडी नाथ से मैं विनती करूँगा कि उनकी भी लोज बना रहे। कभी प्रभु उनको चीफ मिनिस्टर का भी मौका दें ताकि पूरे प्रदेश की सेवा करें।